आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी है राहुल की। राहुल अपने फ्यूचर के लिए बहुत परेशान रहता था, क्योंकि राहुल अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाया था, ना पढ़ाई, ना अच्छा जॉब, और ना ही उसके पास कोई ऐसा था जिसके साथ वो बैठे और शांति से उससे बात करे। उसे शांति ना घर में मिलती थी, ना ऑफिस में, और ना कहीं बाहर। घर की खिचखिच, ऑफिस की खिचखिच और ट्रैफिक की पिच-पिच में वो बड़ा ही परेशान था। एक दिन राहुल ने निर्णय किया कि वो किसी ऐसी जगह जाएगा जो बिल्कुल शांत हो, ना कोई वहां शोर शराबा और ना ही कोई मोबाइल, ना ही कोई प्रदूषण, बिल्कुल शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने के लिए उसने निर्णय किया। राहुल वहां चला तो गया, लेकिन पता है क्या, राहुल की परेशानियां, उसकी चिंता उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ रही थी। वो वहां पे जाने के बाद में भी शांति में नहीं था, उसके पास शांति नहीं थी। पता है, जब राहुल वापस घर आया, फिर से वही जिंदगी, वही शोर शराबा, वही चिंताएं, वही बातें। अंत में राहुल ने अपना आखिरी रास्ता चुना। वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने उसके जीवन में वो शांति और आनंद दिया जो कि उसे संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती थी। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। ऐसी शांति जो तुम्हें यह संसार नहीं दे सकता, जो कि सारी समझ से परे है। परमेश्वर आपको भी वही शांति देना चाहता है, वही आनंद देना चाहता है जो सारी समझ से परे है। सो परमेश्वर के साथ संगति करते रहिए और सुनते रहिए नंबर वन विजनरी रेडियो। अब डाउनलोड कीजिए विजनरी रेडियो का नया एप्लीकेशन, जिसमें जीरो एडवर्टाइजमेंट, सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर का वचन और उसकी आराधना के गीत आप सुन सकते हैं 24 घंटे और सातों दिन विजनरी रेडियो पर।